हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इकोनॉमिक लेसन 4 जो हमारी नई सीरीज चल रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स टू एडवांस। तो जो बेसिक इकोनॉमिक्स है जो आपके प्रीमियर एग्जाम में है उसमें काम आएगी, और जो आपकी जो एडवांस इकोनॉमिक्स है जो आपके सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स के जो होते हैं वो उसमें काम आएगी, या ऑप्शनल में जो आपको होता है। तो जो आज हमारा जो लेसन 4 है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी उसमें मदद मिले। तो आज जो हमारे जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है टॉपिक काफ़ी इजी है, लेकिन कभी कभी ये ट्रिकी बन जाते हैं अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा, या इसके करंट अफेयर्स से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसी से रिलेटेड मैं अपनी जो ये प्रेजेंटेशन है आपके सामने तैयार करूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारे जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो आज का टॉपिक है, तो उसमें जो आज हम देखेंगे कॉजेज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एंड स्कीम रिलेटेड टू द पॉवर्टी एलिवेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो देखेंगे। अगर ये जो मैंने स्कीम जो आपके सामने पेश की है, मैंने सेंटर की पेश की है। अगर कोई आप स्टेट का, कोई और स्टेट का दे रहे हैं, जैसे यूपी का दे रहे हैं, राजस्थान का दे रहे हैं, या किसी स्टेट जैसे एमपी या कोई और स्टेट हो, तो उसकी जो स्कीम्स चल रही है आप उसको जरूर देख लीजिएगा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपने पीसीएस के एग्जाम देने से पहले। तो चलिए, तो पॉवर्टी जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, तो हमारी जो पॉवर्टी है इसके कॉजेस क्या है भारत में खासतौर पर? देखिए, कोशिश तो आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको 1000 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो जो सबसे पहले जो रहता है पॉपुलेशन रहती है, हाई पॉपुलेशन है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी फिर भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पहले से इनकम नहीं, और आगे पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उससे आपकी दिक्कत होगी। पहले ये सोच हुआ करता था कि जितने हाथ होंगे उतने कमाने वाले होंगे तो उससे गरीबी घट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो उससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ देती है। दूसरा पॉइंट जो आ जाता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों की कमी, या उसके जो बंडरवाट होते हैं उसमें जो रहता है बाइस्ट बना रहता है। तो दूसरा जो रहता है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे मेन कारण ये जो रहता है डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किसी के पास तो रिसोर्सेज ज़्यादा आ जाते हैं और किसी के पास रिसोर्सेज बिल्कुल कम आ जाते हैं। तीसरा जो हमारा पॉवर्टी का जो कारण रहता है ज्योग्राफिकल कारण, ये जो रहता है ना, आप थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि ज्योग्राफी कैसे इसमें वो करती है, ज्योग्राफी कैसे रोल प्ले करती है। देखिए, ज्योग्राफी रोल ऐसे प्ले करती है कि आपकी जो लोकेशन है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं आप, इंडिविजुअल वाइज नहीं, आप वो देखिए कंट्री वाइज। अगर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो अमीर हैं, उनकी लोकेशन अगर आप देखेंगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है या वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो उनको थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ह्यूमन फ्रेंडली रहता है। लेकिन जो गरीब देश हो गए, अफ्रीका हो गए, एशिया के देखे, अगर आप उधर देखेंगे कि इधर का क्लाइमेट और ज्योग्राफी जो है वो थोड़ी सी अलग है। तो ये अगर वर्ल्ड के तौर पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ज्योग्राफी कैसे रोल प्ले करती है। अब जैसे मिडिल ईस्ट भी एक टाइम पे पहले गरीब था, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल का खोज हो गई तो पेट्रोल निकल गया, तो वहाँ पे उनकी किस्मत बदल गई। तो जो है ये कॉजेस जो रहते हैं मेनली रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉजेस रहते हैं कि रिसोर्सेज हो गया, काफ़ी चीज़ होती है। आप कहीं और टॉपिक बता सकते हैं, आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का भी रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी खास तौर पर इसी तरीके होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए एजुकेशन सिस्टम खराब है, कि एजुकेशन को हमारे स्किल्स के तौर पर तैयार नहीं किया जा रहा है, हमें एक डिग्री के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो ये जो हमारे जो रहता है ये कोचिज मेनली इसके तौर पर मान लिए जाते हैं। एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं कोचिज पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के, जो अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो हमारे पूछे जाते हैं टाइप्स। अभी हम टॉपिक्स पॉवर्टी पढ़ रहे हैं, तो पॉवर्टी के टाइप्स क्या रहती है? ठीक है, दो प्रकार की जो गरीबी होती है ना, गरीबी को नापने का ना दो तरीका होता है, एक रहता है एब्सोल्यूट और एक रहता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में अगर आप देखेंगे ना, तो एब्सोल्यूट में आप एक ना जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ना एक दायरा तय कर रखा है कि पहले $1 था, $1.5 हो गया, कि कोई व्यक्ति अगर $1.5 से कम खर्चा कर रहा है या कम आमदनी है तो वो जो होगा गरीब माना जाएगा, उसका आय साधन जो रहेगा। अब नॉर्मली जो हमारी जो कमिटीज जो बैठी थी, जो हमारे देश ने बिठाई, सरकार ने बिठाई थी, जैसे टेंडुलकर कमेटी होगी, सी रंगराजन कमेटी होगी, उन्होंने जो पहले जो हमारे जो प्रॉपर्टी जो नापते थे हम कैलोरीज के आधार पर,
ठीक है, कैलोरीज के आधार पे, फिर हम आगे पैसे के आधार पे कि 30 रुपये या 33 रुपये जो दिन का कमा रहा है, फिर बाद में हम किस पर आगे कि वो इतने पैसे कमा रहा हो कि उसका कैलोरी का खर्चा निकल रहा हो। जो कैलोरीज जो मानक की गई 1900 अर्बन में और 2300 या 2400 जो रहती है वो रूरल में मानी गई है, इंडिया का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी कैलोरी की आवश्यकता, अगर इतने आप पैसे कमा लेते हैं कैलोरी सस्टेन करने के लिए, तो आपको ये मान लिया जाएगा। तो जो हमारी जो श्रीरंगराजन कमेटी बैठी थी, उन्होंने लास्ट में रिकमेंडेशन दिया था। इससे पहले जो कमेटी बैठी थी वो तेंदुलकर कमेटी बैठी थी। तो ये जो अभी जो वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने जो अभी करा है 1.5 डॉलर, अगर 1.5 डॉलर से अगर आप कम कमाते हो तो जो है आप गरीब माने जा सकते हैं। अब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब रहता है, अगर इसमें तो सभी गरीब मान लिया जाता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे, पॉवर्टी अगर रिलेटिव टर्म से मान लिया जाता है, तो दुनिया के सारे लोग गरीब होंगे, केवल जो रैंक वन पे जो रहता है, जो रोज चेंज होता है, कभी अमेजोन का हो जाता है तो कभी जेफ बेस। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से अमेजोन का जो है वो अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो अगर आप अपने से कंपैरिजन करेंगे कि जैसे अंबानी से कंपेयर करेंगे कि अंबानी अमीर है हमारे देश में, बाकी सब तो बाकी सब माने क्या माने जाएंगे, गरीब माने जाएंगे। तो ये तो रिलेटिव, जब आप किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो, तो आप अपने आप को कंपेयर कैसे करोगे, अपने ऊपर वाले से, ऊपर वाला आपसे अमीर है तो आप क्या हो जाओगे, गरीब। तो रिलेटिव जो मेजर रहता है वो होता है कंपेयर करने वाला। तो अब जो हमारा जो है, ये जो है आपका पॉवर्टी का जो था ये था। अब हम आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो हमारी जो नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, बेरोजगारी, बेरोजगारी जो रहती है वो कितने प्रकार की होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो पहला जो हमारी जो बेरोजगारी का प्रकार होता है वो होता है फ्रिक्शन। दूसरा जो रहता है हमारा सीजनल स्ट्रक्चर, और चौथा जो हमारा रहता है डिस्प्लेस्ड। तो जो हमारा जो इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 4 प्रकार से नापा जाता है। जो हमारा फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसमें आप हमारा ऐसा मान लिया जाता है कि जब आप कोई जॉब छोड़ देते हो, तो जब आप जॉब छोड़ देते हो या आपकी जॉब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो कुछ टाइम तक जो आप नई जॉब पाने के लिए ना, न्यू जॉब ओल्ड जॉब से, ठीक है, तो ओल्ड ओल्ड से न्यू जॉब पे आ रहे हो, तो इसके बीच में आपका क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपका। अगला जो है हमारा सीजनल, ठीक है, सीजनल जो है हमारे, सीजन ऐसा रहता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी चीज होती है जो सीजन सीजन चल रही होती है, बाकी में नहीं चल रही होती। जैसे अगर आप कूलर रहते हैं, कूलर होता है, ठीक है, कूलर क्या रहता है, केवल ठंड ठंड और गर्मी गर्मी में काम आता है, बाकी में क्या, जो वो बनाने वाले होंगे बाकी टाइम में तो खाली बैठते होंगे, तो बाकी टाइम उनका क्या रहता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जैसे गन्ने का जूस होता है, गन्ने के जूस जो बेच रहे होते हैं वो केवल गर्मी गर्मी बेचेंगे, बाकी में खाली बैठे रहेंगे। ऐसे रजाई कर रहता है, रजाई में जो रुई भरते हैं, रजाई जो बनाते हैं वो केवल ठंड ठंड में करते हैं, बाकी टाइम वो खाली बैठते हैं। तो जो ये रहता है, जो इस टाइम पर खाली बैठते हैं, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर भी रहता है कि एग्रीकल्चर जो रहता है पूरे साल भर नहीं चलती, कुछ टाइम आपको खाली बैठना पड़ता है, 1-2 महीना। अगर आप साल में 3 फसल भी करो या 2 फसल भी करो तो आपको कुछ टाइम खाली बैठना पड़ेगा। तो जो ये रहती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारी जो रहती है, स्ट्रक्चर हमारी वो जो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो रहती है कि जैसे डिमांड एंड सप्लाई में कमी आ गई, डिमांड एंड सप्लाई में कमी आ गई है, तो इससे आपसे इसके कारण आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। अगर इस कारण आपसे जॉब से निकाल दिया जाता है और आप घर पे बैठते हो, तो आपका जो रहता है डिस्क्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जो चौथा हमारा जो रहता है डिस्क्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो ये रहता है नॉर्मली एग्जाम में काफी पूछ लिया जाता है, डिस्क्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा रहता है कि कोई काम करने के लिए ना 4 लोगों की आवश्यकता है,
नीड कितने हैं, 4 लोगों की, लेकिन वो काम कितने लोग कर रहे हैं, 6 लोग कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं। तो जो 2 लोग हैं ना वो डिसबैच इंप्लीमेंट में आएंगे, यानी कि अगर 4 लोग काम करेंगे फिर भी उतने टाइम में पूरा होगा, 6 लोग करेंगे फिर भी उतने में काम कंप्लीट होगा। तो जो 2 लोग हैं वो डिसबैच इंप्लीमेंट में आ जाते हैं। जो हमारी एक नई टर्म है ना, ये जो है स्कीम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था, जैसे कि एक जो रहती है वॉलंटियर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है कि आपको सरकार जॉब भी आगे दे रही है, लेकिन फिर भी कह रहे यार मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। अगर आप इच्छुक अपनी इच्छा से अगर वो कोई काम नहीं करना चाह रहे, यानी कि वो अपनी इच्छा से उस पर काम नहीं करना चाहते, तो आपका जो रहता है वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है स्कीम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी। सरकार के द्वारा चलाई गई पॉवर्टी को मिटाने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चल रही, तो इसमें जो है ये मेन मैंने ये लिखी हुई है। तो जो ये मैंने सेंटर की स्कीम्स लिखी हुई है, आप जो अगर कोई स्टेट का पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो अपने स्टेट की स्कीम जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी मेन स्कीम है वो है मनरेगा। मनरेगा में क्या रहता है, 100 दिन था, फिर इसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है, कि 150 दिन आपको जो कहीं जगह तो अभी भी 100 दिन ही है, 100 दिन तक जो है सरकार आपको काम देगी। तो आपको जो रहता है कि जो डेली भत्ता जो आपको मिलता है वो आपको मेरे ख्याल से वेरी करता है, कोई स्टेट मैक्सिमम जो ज्यादा होता है 230 से 240 हज़ार होते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट अभी कुछ टाइम पहले हिमाचल प्रदेश तक का था। तो वो रेंज में आपको एक दिन के पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो पैसे आपको नहीं मिलते हैं तो वो एकदम आपका जुड़ता रहता है, वो एंड पे आपको दे दिया करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि स्कीम मनरेगा की स्कीम है। काफी बार पूछा गया है ये मनरेगा कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर को लागू हुआ था, ठीक है, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, पहले नरेगा था, फिर महात्मा गांधी का नाम इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया था। अब डीडीयू, डीडीयू का मतलब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें जो रहता है ना, जो होमलेस बंदे जो रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, गरीब होते हैं, उनको इसमें स्कीम में क्या गया है, एक मिनट रुकेगा, डीडीयू अंत्योदय योजना, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है। क्या किसकी बात की गई है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इसमें। और जो रहेगा शेल्टर, जो गरीब लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, होमलेस जो है। तीसरी जो हमारी स्कीम है पीएम सुरक्षा बीमा। पीएम सुरक्षा बीमा जो ऐसा रहता है कि अगर आप जो की जो स्कीम है ना, 12 रुपए का प्रीमियम होता है इस पे, पीएम सुरक्षा पे, पीएम सुरक्षा बीमा, इसमें 12 रुपए का आपका प्रीमियम रहता है, जिसमें आपको जो अमाउंट कवर होता है आपका 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किस लिए रहता है, अगर एक्सीडेंट हो गया हो किसी व्यक्ति का, ठीक है, या पार्शियल पैरालाइज हो गया हो, या बाय चांस उसकी डेथ हो गई हो, तो उसमें जो रहता है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम जो 12 रुपए का रहता है, उसमें ये इसका लाभदारी हो सकता है। तो ये जो है पीएम सुरक्षा बीमा, इसके तहत आती है, केवल गरीबों के लिए है, जिसके पास वो गरीबी रेखा के पीछे का कार्ड है। अगला जो है हमारा अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है इसके जो बेनिफिशरी हैं वो 18 से 40 साल के होंगे, ठीक है, 18 से 40 साल के होंगे, और जो इनका जो रहता है पेंशन के रूप में होगी, जब ये 60 साल क्रॉस कर लेंगे, 60 ईयर क्रॉस हो जाएंगे, तो इनको पेंशन मिलेगी, जो कि रहेगी आपके जितने भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया होगा अपने 18 से 40 साल के बीच में, उसमें 60 साल के बाद आपको 1000 रुपये से 5000 तक आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है, बेस आपके कितने रुपए आपने जमा किए हैं। ये जो है आपका अटल पेंशन योजना है। अगला जो है हमारा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इसमें जो है आपकी जो है लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस रहता है, लो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस, ये जो रहता है आपका 300
₹30 इसकी जो है बीमा रहती है। इसमें जो रहता है आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कर दिया जाता है कि अगर कोई आपकी डेथ वेथ हो जाती है किसी के बाय चांस, तो उसमें जो आपके परिवार वालों को जो है बाय चांस ऐसा ना हो, लेकिन जिसके भी होती है तो उसको जो सरकार है वो पेमेंट करती है लाइफ इंश्योरेंस के बाद। ठीक है, पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना है आपने सुन रखा होगा, काफी फेमस स्कीम है सरकार की पीएम, एक मिनट रुकिएगा, पीएम आवास योजना। इसमें जो रहती है जो सरकार है ना वो लोन देती है कि यानी के जो लोअर कास्ट जो लोग हैं उनको योजना दी, उनको पैसे दिए जाते हैं कि जो रूरल्स में उनके घर बनाने के लिए जिनके पास घर नहीं है उनको सरकार जो है घर प्रोवाइड कर रही होती है, पक्के मकान। ठीक है, प्रोवाइडिंग हाउसेस टू होमलेस और विदाउट इंटरेस्ट, और जो लेते हैं लोन्स शेड्यूल कास्ट और एसटी पीपल। ठीक है, जो ये है पीएम आवास योजना में रहती है कि जो लोअर कास्ट के पीपल एससी एसटी हो गए या हाउसेस लोन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना मकान बना सकते हैं अगर उनके पास जमीन है, उनसे सरकार उनको 2.5 लाख रुपए तक का जो रहती है लोन देती है, यानी कि वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनको लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जो रहता है कि अगर ऐसा भी नहीं है तो पक्के घर प्रोवाइड कर रही होती है पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जो हमारा है जो स्कीम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अब जो ये स्कीम जो रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है अगर प्रॉपर्टी से नहीं पूछी जाएगी, तो जो हमारा जो है पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास योजना के टेट क्या रहता है कि जो वहाँ के गांव बंदे होंगे वो जो अपनी वो है अपनी स्किल्स स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस योजना क्या रहती है, नेशनल अप्रेंटिस योजना रहती है जो ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ट्रेनिंग कोर्सेज जिसमें जो जो यूथ रहता है वो जाके पार्ट कर सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन्हें क्या रहेगा उन्हें नई जॉब्स मिल सकती है कंपनियों के द्वारा। अगला जो है हमारा उस्ताद, उस्ताद जो स्कीम से वो है अपग्रेड इसकी, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको फुल फॉर्म इसकी अलग से बता देता हूँ। उस्ताद की जो हमारे फुल फॉर्म है एक मिनट में देख लूँ, अपग्रेडिंग द स्किल फॉर द आर्ट एंड द कल्चर। ठीक है, तो इस आर्ट एंड कल्चर जो ये स्कीम्स है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। इसमें जो रहता है कि जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं उनके लिए जो स्किल्स जो रहते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं और जो सरकार है उसको उनको फंड करेगी। अगली जो हमारी जो स्कीम है वो है डीडीयू ग्रामीण कौशल विकास योजना। इसके तहत जो हमारे जो सरकार ने चलाई थी 2017 तक हर साल मिनिमम 10 लाख यूथ ट्रेन होने थे, 10 लाख यूथ ट्रेन। ठीक है, अगला है हमारा हुनर से रोजगार जो हमारी स्कीम है, हुनर से रोजगार। तो ये जो स्कीम ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो अगर कोई बाहर से विदेशी जो आ रहा होता है तो उसको जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे जो है उनको जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको जो टूरिज्म के जो डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड कराते हैं कि अपना रोजगार अपना हुनर है तो वो बेच सकते हैं, जो आपको हार्ट होंगे INA हार्ट और जो दिल्ली में है या और जगह कहीं हार्ट होता है तो उसमें ये प्रोवाइड अपने जो है सामान बेच सकते हैं। जो हमारी जो अगली स्कीम है वो है हिमायत स्कीम जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, हिमायत स्कीम जो है हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, जो वहाँ के यूथ है उनके लिए कि जो यूथ है वो ट्रेनिंग करके वहाँ पे कुछ सीख सकते हैं, यूथ कि वहाँ के जो यूथ है वो ट्रेनिंग करके अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। जो हमारी लास्ट स्कीम है वो है उड़ान स्कीम उनके लिए है जो बंदे एजुकेटेड हैं ग्रेजुएटेड हैं लेकिन कोई स्किल नहीं है, तो वो स्किल जानना चाहते हैं तो वो स्किल प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनको आगे जो कंपनी है कंपनी उनको हायर कर सके।
तो जो ये आपकी जो थी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये कुछ मेन स्कीम्स थी जो आपके आने वाले एग्जाम खासतौर पे आरएएस का या यूपीपीएससी का आने वाला है, तो उसमें जो प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उससे रिलेटेड स्कीम्स पूछी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है अनएम्प्लॉयमेंट से जो सेंटर के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है और पॉवर्टी की जो मैंने आपकी लिखवाई थी ये, तो ये जो चलाई जा रही है, तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।